सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पेज नंबर 118 है, पेज नंबर 118 है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। अगर यानी कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है, आप उसका ट्रांसपोज कैलकुलेट करें और ट्रांसपोज लेने के बाद भी दोबारा ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाए, तब हम कहते हैं कि ऐसा मैट्रिक्स जो है वो आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है जी, जैसा कि आपके पास ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जैसा कि आपके पास ये एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है, मैं इसका ट्रांसपोज कैलकुलेट करने लगी। ट्रांसपोज कैसे देते हैं, रो को कॉलम बना देते हैं, इस रो को कॉलम बना दिए, फिर इस रो को कॉलम बना दिए, और आपने देखा दोबारा ओरिजिनल मैट्रिक्स आ गया है। तो इसका ये दोबारा ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आ गया है, यानी कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैलकुलेट किया और दोबारा मैट्रिक्स आ गया। इसका मतलब है ये मैट्रिक्स जो है आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है जी, नेक्स्ट है जी आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। यानी कि आपके पास कोई भी मैट्रिक्स कब स्क्यू मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है, उस वक्त स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है जब आप उसका ट्रांसपोज कैलकुलेट करें और जो आप माइनस ए के इक्वल आ जाए, तब हम कहेंगे कि ऐसा मैट्रिक्स जो है स्क्यू सिमेट्रिक है। जैसा कि उन्होंने एग्जांपल दिया है, आपके पास एक मैट्रिक्स बी है, 0-4, 4-0-3-1-3-0, इसका ट्रांसपोज अब उन्होंने कैलकुलेट किया है। ट्रांसपोज में क्या करते हैं, रो को कॉलम बना देते हैं, इस रो को उन्होंने कॉलम बना दिया, फिर इस रो को उन्होंने कॉलम बनाया, फिर इस रो को उन्होंने कॉलम बनाया। अब उन्होंने इस सारे मैट्रिक्स में से माइनस वन कॉमन लिया है, माइनस वन जब कॉमन लिया तो फिर हर एंट्री की जो है वो साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पर फोर था तो माइनस फोर बन जाएगा, माइनस वन था तो वन बन जाएगा जब आप माइनस वन कॉमन लेंगे। माइनस फोर है तो फोर बन जाएगा, थ्री है तो माइनस थ्री, वन है तो माइनस वन, माइनस थ्री है तो थ्री। जब आप सारे मैट्रिक्स में से माइनस वन कॉमन लेंगे तो हर एंट्री का साइन जो है वो इस वाले से चेंज हो जाएगा। ये आपके पास दोबारा मैट्रिक्स बी बन गया है, माइनस बी। आपने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैलकुलेट किया और आंसर आ गया माइनस बी। इसका मतलब है कि ये जो आपके पास मैट्रिक्स है ये स्क्यू सिमेट्रिक है, क्योंकि इसका ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस बी। एक्सरसाइज नंबर 3.4, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, मैट्रिक्स ए दिया गया है, मैट्रिक्स बी दिया गया है, और आपसे कहा गया है कि शो करें ए प्लस बी इज सिमेट्रिक। ए प्लस बी को सिमेट्रिक शो करना है, इनको सिमेट्रिक नहीं शो करना, इनके एडिशन को। तो हम इन दोनों को ऐड करते हैं। ऐड करना अब आपने सीख लिया है तो मैं डायरेक्ट करने लगी हूँ।
वन माइनस थ्री माइनस टू प्लस वन वन फाइव माइनस टू थ्री माइनस वन माइनस टू प्लस वन माइनस वन थ्री माइनस वन टू फाइव माइनस टू थ्री माइनस वन माइनस टू टू। जब मैंने डायरेक्ट ऐड कर लिया एडिशन तब आपको आ गई है ना। अब ए प्लस बी को हमने जो है वो सिमेट्रिक, ए प्लस बी कब सिमेट्रिक होगा जब आप इसका ट्रांसपोज लेंगे और दोबारा ए प्लस बी के इक्वल ही आंसर आ जाएगा, तब ए प्लस बी जो है वो आपके पास सिमेट्रिक होगा। ए प्लस बी का ट्रांसपोज लेते हैं, ठीक है जी। इसका ट्रांसपोज लेंगे तो कैसे लेंगे, रो को कॉलम्स में लिख दें, इस रो को कॉलम में लिख दिया, ठीक है जी। माइनस टू वन थ्री, अब इस रो को लिख दें कॉलम में, माइनस वन थ्री माइनस टू, अब इस रो को लिख दें थ्री माइनस टू टू। और आप गौर करें यहाँ पर माइनस टू प्लस वन जो है वो माइनस वन आना था, इधर भी बेटा माइनस वन। आपने देखा कि जब आपने ट्रांसपोज ले लिया फिर भी आंसर जो है वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल ही है, इसका मतलब है कि ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज है वो दोबारा ए प्लस बी के इक्वल है, तो इसका मतलब है ए प्लस बी जो है आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर टू है, मैट्रिक्स ए दिया गया है और आपसे कहा गया है कि आपने शो करना है, नंबर टू पार्ट करवाती हूँ, ए माइनस ए डी इज स्क्यू सिमेट्रिक। पार्ट वन आपने खुद करना है, पार्ट टू मैं आपको कराती हूँ। ए माइनस ए टी को इसका मतलब क्या है, पहले ए ए ट्रांसपोज कैलकुलेट करना है, उन दोनों को माइनस करना है और जो आंसर आएगा उसको चेक करना है स्क्यू सिमेट्रिक, ए को नहीं करना ना ही खाली ए टी को, इन दोनों के माइनस को चेक करना है। तो सबसे पहले इसका ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज क्या आएगा, रो को कॉलम में लिखें, रो को कॉलम में लिखें, रो को कॉलम में लिखें, माइनस वन थ्री टू, ए वन टू ज़ीरो थ्री वन माइनस वन थ्री टू, ए माइनस ए ट्रांसपोज माइनस कर दें, वन माइनस वन ज़ीरो टू माइनस थ्री माइनस वन ज़ीरो माइनस माइनस वन प्लस वन थ्री माइनस टू वन टू माइनस टू ज़ीरो वन माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन माइनस ज़ीरो माइनस वन थ्री माइनस वन टू और टू माइनस टू ज़ीरो, ये ए माइनस ए टी आ गया है। इसको चेक करना है स्क्यू सिमेट्रिक, तो ए माइनस ए टी कब स्क्यू सिमेट्रिक होगा, जब आप इसका ट्रांसपोज लेंगे और अगर जवाब आ जाता है माइनस ए टी तो ये स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। इसका ट्रांसपोज ले लें, रो को कॉलम्स में लिख दें, ठीक है जी। और इसमें से मैं माइनस कॉमन लेने लगी, कॉमन लूँगी तो जो अंदर वाली एंट्रीज हैं उनका साइन चेंज हो जाएगा,
वन का माइनस वन, माइनस वन का वन, माइनस वन का वन, टू का माइनस टू, वन का माइनस वन, माइनस टू का टू, ज़ीरो का ज़ीरो। अब आप गौर करें, क्या ये इस जैसा मैट्रिक्स नहीं है? तो हमने शो कर दिया कि हमने इसका ट्रांसपोज लिया था और जवाब आ गया माइनस ए माइनस ए टी। तो ए माइनस ए टी जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक हो गया है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 7। ये फिलहाल आपको छुड़वा रही हूँ, ये एंड पे सारे इस तरह के क्वेश्चन इकट्ठे हो जाएंगे तो मैं आपको एक लेक्चर बना के करवा दूँगी। 3, 4, 5 एंड 7। अब बचता है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कहा गया है कि शो करें कि ये जो मैट्रिक्स है ये हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन। तो पहले हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन की डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ स्क्वेयर मैट्रिक्स ए विद कॉम्प्लेक्स एंट्रीज इज कॉल्ड हर्मिशियन इफ ए कंजुगेट का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। पहले तो सिमेट्रिक में ये था कि सिर्फ उसका ट्रांसपोज कैलकुलेट करते थे और ए के बराबर। अब हर्मिशियन में क्या करना है, ए कंजुगेट फिर ट्रांसपोज। पहले आपने मैट्रिक्स का कंजुगेट कैलकुलेट करना है और फिर ट्रांसपोज लेना है, और अगर दोबारा आंसर ए के इक्वल आ जाए तो हम कहते हैं ये हर्मिशियन मैट्रिक्स है। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, जैसा कि ये आपके पास एग्जांपल है, ये एक मैट्रिक्स दिया गया है। तो आपको हर्मिशियन के लिए क्या करना है, ए कंजुगेट और फिर ट्रांसपोज। तो पहले ए कंजुगेट कैलकुलेट करते हैं। ए कंजुगेट कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, कंजुगेट क्या है, जब आप किसी चीज़ का कंजुगेट लेते हैं ना, कम्प्लेक्स एंट्रीज़ का, इसकी जो एंट्रीज़ हैं वो कम्प्लेक्स है ना, कम्प्लेक्स नंबर्स हैं। तो जब आप कंजुगेट लेते हैं तो जो आपके पास आयोटा वाली टर्म्स होती हैं ना, उनका साइन चेंज हो जाता है। अगर माइनस है तो प्लस हो जाता है, और अगर प्लस है तो माइनस है। ये आपके पास ए कंजुगेट हो गया है। अब ए कंजुगेट का ट्रांसपोज लें, रो को कॉलम में, रो को कॉलम में, और ये ओरिजिनल मैट्रिक्स आ गया है। इसका मतलब है मैट्रिक्स ए जो है वो हर्मिशियन है। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए विद कम्प्लेक्स एंट्रीज, यानी कि जिसकी एंट्रीज कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो, इज कॉल्ड स्क्यू हर्मिशियन और एंटी हर्मिशियन इफ ए कंजुगेट का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। अगर उसके कंजुगेट का जो ट्रांसपोज है वो माइनस ए के इक्वल हो जाए तब हम कहते हैं कि ऐसा मैट्रिक्स जो है वो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। ठीक है जी, अब इसके से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसका सेकंड पार्ट कराती हूँ। ए माइनस ए कंजुगेट का ट्रांसपोज इज स्क्यू हर्मिशियन, पार्ट वन आपने खुद करना है, इसको स्क्यू हर्मिशियन करना है। सबसे पहले हम ये बनाएंगे, ए हमारे पास है, ये बनाना है ए कंजुगेट। कंजुगेट कैसे लेते हैं, जो जो आपके पास आयोटा वाली टर्म्स हैं उनका साइन चेंज कर दो, इसका साइन चेंज होकर प्लस हो जाएगा। अब इसका ट्रांसपोज लो, रो को कॉलम में लिख दो, रो को कॉलम में लिख दो। ठीक है,
इन दोनों को माइनस कर देना है। ए माइनस ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज माइनस अयोटा माइनस माइनस अयोटा, वन माइनस अयोटा माइनस वन, वन माइनस वन माइनस अयोटा अयोटा माइनस अयोटा। माइनस अयोटा माइनस माइनस प्लस अयोटा, माइनस अयोटा प्लस अयोटा, वन और माइनस वन कट गए, माइनस अयोटा रह गया, वन और माइनस वन कट गए, माइनस माइनस प्लस अयोटा, अयोटा माइनस अयोटा ज़ीरो, वन और ये माइनस वन कट गए, ज़ीरो माइनस अयोटा अयोटा ज़ीरो। ये ए माइनस ए कॉन्जुगेट का आंसर आ गया है। ये इसका आंसर आ गया ज़ीरो माइनस अयोटा अयोटा ज़ीरो। अब ये कब स्क्यू हर्मिशियन होगा? जब आप इसका कॉन्जुगेट और फिर ट्रांसपोज लेंगे तब होगा। अब हम इसका कॉन्जुगेट लेते हैं, इस सारे का कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट लेते हैं तो जो यूटरी टर्म्स हैं उसका साइन चेंज हो जाता है। ठीक है जी, अब इसका ट्रांसपोज ले लें। इसका ट्रांसपोज ले लें, रो कॉलम में, रो कॉलम में तो ठीक है जी। माइनस कॉमन ले लें तो जो अंदर वाली टर्म्स हैं उन सब का साइन चेंज हो जाएगा। ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस का तो ये माइनस हो जाएगा। ये आपके पास ये वाला मैट्रिक्स नहीं आ गया, तो इसका मतलब है आपके पास ए माइनस ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज जो है ये स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। पार्ट वन आपने खुद करना है। और क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 8 और 6 भी सिमिलर हैं। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1, 2, 6 एंड 8 4 क्वेश्चंस हैं जो आपके पास सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन के है। नेक्स्ट है वो नया क्वेश्चन शुरू हो जाता है, वो आपको करवाती हूँ मैं।